एक उनको न्यूज दे दी थी कि आपका वीजा आ गया, तो आगे फिर देखते हैं। अरे सर मैं रात से 12 बजे सर आई कंप्लीटेड माय शिफ्ट एट 12 o'clock दिन, तब से अभी तक मैं सोया नहीं सर। अभी मुझे पता है सर, पता नहीं क्या होगा, इसलिए मैंने किसी को बताया नहीं कि यू नो मुझे ईमेल का अपडेट आया था करके। आई वाज वेरी बट या थैंक यू सो मच सर। आई मीन हाँ सर, मैं रेगुलरली आपके वीडियोस देखता हूँ, आपका लाइव देखता हूँ एंड वहाँ से मैं तो हैदराबाद से हूँ सर, सो आई हैव नेवर बीन टू योर स्टेट। तो हाँ बट ऐसा है कि नो योर मार्केटिंग स्किल्स वाया सोशल मीडिया दैट एक्चुअली अट्रैक्टेड मी। You know, आप लोग ना शेयर करते थे वीजा के ना स्पाउस वीजा के वगैरह, तो इसलिए मैंने कांटेक्ट किया, देन अप्लाई किया एंड या एवरीथिंग वाज फाइन एंड स्मूथ। दैट्स इट, थैंक यू सो मच सर। मैं कभी विजिट नहीं किया हूँ, तो एवरीथिंग वाज ऑनलाइन। मैंने वाया ईमेल्स मेरे सारे डॉक्यूमेंट शेयर किए थे, जो भी आपके एम्प्लॉय ने बताए थे मुझे सभी डॉक्यूमेंट शेयर किया था। सो लाइक शायद उसके नेक्स्ट डे मेरी फाइल लॉन्च हो गई थी, बट वो थोड़ा वो टाइम पे ऐसा था कि ना सर जो मार्च 19 को स्पाउस बैन हो चुका था 19 को, तो बट फॉर्चुनेटली यू नो माय वाइफ वाज परस्यूइंग एमबीए। कुछ मंथ्स के रिफ्यूजल्स भी ज्यादा आ रहे हैं, और ऐसा था कि वो फंड्स भी मेरे ठीक ठाक थे, कुछ ज्यादा नहीं थे, 7 लाख मैंने वो भी बस बैंक लेटर शेयर किया था। सो एवरीथिंग वाज फाइन एंड मैं सभी को रिकमेंड करूंगा कि यू नो वी शुड गो फॉर वी पॉइंट एंड प्रोसेस वाज स्मूथ डेफिनेटली सर। एंड या नहीं सर, ट्रस्ट का इशू नहीं आया, क्योंकि आई मीन यू आर इन दिस बिजनेस फॉर यू नो वेरी लॉन्ग टाइम एक्चुअली, तो ऐसा नहीं कि कोई नया कंसल्टेंसी है या नया एजेंट, ऐसा कुछ नहीं था। सो यू हैव बीन इनटू दिस बिजनेस इन पंजाब। मैंने बहुत सारे एजेंसीज को कॉल किया था एंड उनके प्राइजेस थे सर नेक्स्ट लेवल, वो लोग डर के साथ खेल रहे थे बस कि आपका ये आ जाएगा, वो लोग डर के साथ खेल रहे थे लोगों के कि लोग इतने सारे यूट्यूबर से मैं फॉलो करता हूँ, मैंने हैव कॉल्ड देम बट वो लोग डॉलर्स में चार्ज कर रहे थे, $1500 $1700 फीस। एंड शायद वो टाइम पे आपकी फीस मुझे मिनिमल लगी, ठीक है मिनिमल थी, और एट द सेम टाइम ट्रस्ट भी था कि हो जाएगा। अब मैंने बहुत सारे कंसल्टेंसी को कॉल किया था, आउट ऑफ एवरीथिंग शायद मैंने 10-12 लोग को कॉल किया था, इंक्लूडिंग हैदराबाद में भी कुछ है जो सर्टिफाइड है, तो मैंने उन लोगों को भी कॉल किया था, बट सभी के फीस ज्यादा थे एंड या और वो लोग है ना, क्योंकि मैं जानता नहीं था वो लोग को कि वो लोग यू नो बिजनेस में कितने साल से है वगैरह। तो आफ्टर वॉचिंग योर वीडियोस मैंने ऑलमोस्ट 1 वीक और 10 डेज स्पेंड किया है इस पे कि किससे फाइल लगाऊं। सो वैलिडेट करने के बाद आई हैव वेंट विद वी पॉइंट। जो भी डॉक्यूमेंट्स पूछे थे मैंने सब डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए एंड यस सर, सो भी ट्रांसपेरेंट था सर, ऐसा कुछ नहीं। एनी डे एनी टाइम आई विल नो इफ यू गाइज आर प्लानिंग फॉर नो कंट्रीज विच वी पॉइंट अस। So, I 100% recommend to go with V Point. लास्ट में मैं आपको हमारी पूरी टीम की तरफ से V Point की तरफ से कंग्रेचुलेशन करना चाहता हूँ। भगवान करे जो भी आप थैंक यू सो मच आपकी फैमिली के लिए अपने लिए वो भगवान सभी पूरे करे। थैंक यू सो मच, आपने इतनी दूर से हम पे ट्रस्ट किया और हमारे साथ प्रोसेस किया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।